हर हथकंडे से सरकार हम लोग को लूट रही है, छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं कर रही है। गरीब आदमी का तो जीना ही दुश्वार है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कम होती जा रही है, हर आदमी परेशान है, मीडियम आदमी बहुत ज्यादा बुरे हाल है। बाजार इस समय जीरो पे चल रहा है। नमस्कार, मैं कमर आलम, एबी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। जिसको लेकर आज चुनाव यूपी में चुनाव चालू हो गए हैं, जय सत्ता हो जाए दूसरी पार्टी के लोग हैं, सब आदमी अपने अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको लेकर सबसे ज़्यादा जो महंगाई है उस पर किसी का भी ख्याल नहीं जा रहा है और नहीं। और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे आइए हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और किस उस पर चुनाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर दीवान है जी। जो महंगाई है इस पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो इस कदर बढ़ी हुई कि हम लोग सारा व्यापारी जो है खुदरा व्यापारी त्राही माम पे है। कोई भी सरकार बदलती है महंगाई और बढ़ती चली जाती है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप ये समझिए कि पेट्रोल का रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं और यहाँ तक कि आप देख रही है हालत देखिए मार्केट में ग्राहक आना बंद हो चुके हैं महंगाई कारण में। उसका मेन रीज़न है हर हथकंडे से सरकार हम लोग को लूट रही है, छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं कर रही है। गरीब 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 कर रहे हैं, गरीब हम लोग से ज़्यादा रईस है वो। आज एक ठेली वाला हम लोग से अच्छी पोजीशन पे है, ना उसका बिजली का बिल है, ना उसका कोई किराया है, सुबह 1000 रुपये लगाता है, शाम को 2500-3000 रुपये ले जाता है। हम लोग लाखों करोड़ों रुपये लगाने के बाद हम लोग के दुकान खोलने के बाद मीटर चालू हो जाता है केसा का, कभी सेल टैक्स, कभी इनकम टैक्स, कभी GST का। अभी एक और नया शगुफा निकला है, आप प्री पे मीटर को क्या समझते हो? मोबाइल, एक आपने मोबाइल में चार्ज किया तो आपका जब तक पैसा है मोबाइल में, मोबाइल आपका तब तक चलता है, पीछे से बंद हो जाता है। एक नया शगुफा चला है कि वो हम लोग को माइनस पे ले जाते हैं, माइनस के नाम से 50-50 हज़ार का बिल देते हैं, जिसमें भुक्तभोगी मैं हूँ उसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि बैक पे ये लोग अमाउंट निकाल दे रहे हैं। भाई जब हमारा माइनस चल रहा है आप तुरंत काटिए ना। मैं कुलबीर सिंह महाजन, मैं सरकार से ये बेनती चाहता हूँ कि हर तरह से पब्लिक को सपोर्ट की जाए और इस समय आप अपना और अपने परिवार की लेडीज़ों से पूछिए कि वो अपनी गृहस्थी कैसे चला रही हैं, राशन कैसे ले रही हैं, कैसे वो सिलेंडर का काम चला रही हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई कर रही हैं। उनसे पूछिए कि कैसे उनकी गृहस्थी चल रही है। अपने जेब में जो 50-60 रुपये रखती थी बेचारी की, वो भी आप लोगों ने 50 की जगह 500 रुपये बाहर से मांगने के उनको मजबूर कर दिया है। ऐसी सरकार से तो कोई फायदा नहीं है, हम तो ये समझते हैं। व्यापारी तो बिल्कुल ही लूट चुका है और लूटने के बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्रामे बनाए जा रहे हैं, क्या बिजली, क्या बच्चों की पढ़ाई, क्या घर के राशन, क्या आदमी करेगा बताइए। इस समय व्यापारी का ये पोजीशन हो गया, यदि कोरोना के टाइम में दुकानें बंद हुई आपने सारी वसूली की है, यदि किसी जगह उसके ऊपर किसी चीज़ की क्रेडिट बाकी थी आपने उस क्रेडिट को छोड़ा तो नहीं बल्कि उसका सिविल डाउन करके आगे के लिए डिस्टर्बेंस कर दी है। मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि यदि सरकार पब्लिक को देख के चले और अपने परिवार की तरह समझ के चले तो सब कुछ कामयाबी में मिलेगा, अन्यथा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। व्यापारी तंग था, तंग है, तंग ही रहेगा। मैं दिलीप कुमार घुमटी मार्केट से, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी सरकार आनी चाहिए, कम से कम व्यापारियों के लिए कोई ऐसा पैकेज, ऐसी सब्सिडी, हमें फ्री का राशन, फ्री का सिलेंडर, फ्री के काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ व्यापार चाहिए, टैक्स में राहत चाहिए और कारोबार चाहिए। इस तरीके की सरकारें होनी चाहिए, अन्यथा अदर ऑप्शन लिए जाएंगे, सरकारों को बदला जा सकता है, क्योंकि व्यापार है तो देश है, देश में व्यापार नहीं होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी रहेगी तो हम देश को कहाँ से चलाएंगे। सरकार को कम से कम इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए क्या कर सकती है, वो आगे क्या करना है, टैक्स में क्या राहत देनी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, हमारे टैक्स बढ़ रहे हैं, हमारे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, हमारे दुकान के खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी आमदनी कुछ है नहीं। अरे आपका क्या कहना है, आपका काहे का कारोबार है और आपका? मैं रामचंद लखवानी गुमटी में व्यापारी हूँ। कल लखनऊ में GST काउंसिल की बैठक हुई जिसमें सब प्रदेशों की सरकारें थी, किसी ने भी पेट्रोल के दाम घटाने के लिए सहमत नहीं थी। उसमें दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया जी भी थे, केरल के भी लोग थे, मतलब कोई नहीं चाहता है कि पेट्रोल के दाम घटें, तो किसी एक को दोष देने क्या मतलब, चाहते ही नहीं लोग, कोई भी आएगा सबका यही हाल। तो इसके बारे सरकार के बारे में क्या कहना है कि अपनी सरकार अब ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा, अभी तो टाइम है 6 महीने का। आपका क्या कहना है इसके? मैं दीपक मल्होत्रा, मैं कहना चाहता हूँ पेट्रोल के दाम हो या महंगाई हो, जितनी मर्जी
गवर्नमेंट बढ़ाए लेकिन जनता को उस काबिल बनाए कि वो उस चीज़ को ले सके। व्यापार है नहीं, कारोबार ख़त्म है, दुकानों में कस्टमर है नहीं, सुबह से रात तक हम लोग बैठे रहते खाली, और महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि हम लोग का सामान खरीदना बहुत मुश्किल हुआ जा रहा है। कमाई है नहीं बिल्कुल भी, सुबह से लेकर रात तक बैठो 1000-2000 रुपये की बिक्री होती है, उसमें स्टाफ को भी देना है, बिजली का बिल भी दें, तो बहुत परेशानी है जी। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल भी, खाली बैठे रहते हैं हम लोग सारा दिन। और महंगाई देखिए, गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, सरकार को चिंता नहीं है, महंगाई करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की जनता को ऐसा काबिल बनाए, ऐसा व्यापार दे कि वो कमा के वो 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल खरीदे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा काबिल तो बनाए। सिर्फ महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और कारोबार ख़त्म करते जा रहे हैं। कारोबार इतना बढ़ा दें कि 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो तो आदमी खरीद के भरवाए अपने उसमें गाड़ी में, लेकिन कारोबार है नहीं। और ऑयल की कीमतें, खाने वाला तेल, सरसों का तेल देख लीजिए, अभी 30 रुपये लीटर फिर महंगा हो गया, रिफाइंड देखिए, सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और योगी जी, मोदी जी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सोचा जाएगा इस बार सरकार बदली जाएगी। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो सरकार बदली जाएगी, देखेंगे। हम लोग के पास बहुत ऑप्शन है, 300 यूनिट बत्ती देने वाले हम लोग को मिलने, फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हम लोग को, तो हम लोग उस तरफ जा सकते हैं, देश की जनता जाएगी। और 5 किलो जो राशन की बातें हो रही हैं, 2 रुपये केजी वाला राशन है जो राशन कार्ड से मिलता है, तो 80 रुपये का राशन दे रहे हैं और उसकी पिसाई 25 रुपये देता है एक गरीब आदमी, 5 रुपये किलो पिसवाई देनी पड़ती है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? अगर गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, हम लोगों व्यापारी आदमी से तो ठिलिया वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ठिलिया वाले 1000-1200 रुपये लगाते हैं और शाम को 2500-2500 रुपये लेके जाते हैं सामान बेच के, और हम लोग व्यापारी दिन भर हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। काहे की दुकान है आपकी? मेरी नाइटवेयर की दुकान है। कारोबार कैसा है, क्या है सर? कारोबार तो सर इंतजार वाले हाल हैं बाज़ारों के, कि आप पेमेंट लगा के इंतजार करिए कि हाँ पेमेंट कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। बरसात भी इधर से मार रही है, उधर से व्यापारी मार रहा है, फिर पीछे से उधार खाता में नहीं रहा, पेमेंट लगा के आदमी बैठा हुआ है, उधर से कस्टमर मार्केट में है नहीं। अब क्या कह सकते हैं सर, GST का भी इधर चल रहा है, उधर भी पूरा लिखा पढ़ी दिखानी है, उनको भी चाहिए सब कुछ कि भैया आप कितना बेच रहे हैं, वो तो देखने आ नहीं रहे घर में कि क्या चल रहा है, किसके घर में कैसे चल रहा है। तो ये चीज़ है सर, कारोबार की ऐसी स्थिति हो गई, इसका कारण सर स्थिति ये समझ सकते हैं, जब से नोटबंदी हुई है फिर उसके बाद GST आई है। अब पहले जो था मामला, अब एकदम से इन्होंने ला के हावी कर दिया भाई GST का, इन्होंने चारों तरफ से, ऊपर से कोरोना महामारी में पूरा व्यापार टूट गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मीडियम क्लास वैसे मरा हुआ है, जो थोड़ा बहुत पैसा बाज़ार में दिख भी रहा है वो हाई क्लास में है, वही लोग चल रहे हैं सर, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहिए? अरे सरकार सर सुनती कहाँ है सर, किसान आंदोलन में उधर भी कोई नहीं सुन रही, इधर भी हम लोग के बारे में, हम लोग तो मजबूरी में बैठे हुए ना, हम लोग तो बंद करके कहीं धरना भी नहीं कर सकते कि सर हम लोग ही कुछ करिए, अब वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे जब तक कुछ नहीं होता तब तक इधर की बाज़ार में कोई कुछ नहीं होगा सर। क्या नाम है आपका? मंडी मेहता। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? भाई महंगाई के लिए हमें क्या कहना है, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि महंगाई चरण सीमा पार कर चुकी है। घरेलू चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर, उसने तो हद पार कर दी, पेट्रोल जो हर आदमी का किस हर आदमी को चाहिए, उसकी भी चरण सीमा पार हो गई। बाकी खाने की चीज़ों में शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो महंगी ना हुई हो। आप दूर ना जाइए, कड़वे तेल को ले लीजिए, कड़वे तेल ने भी चरण सीमा से ऊपर चरण सीमा कोई होती है वो भी पार कर दी। गरीब आदमी का तो जीना ही दुश्वार है, और इसमें मीडियम क्लास ज़्यादा पिसता है, बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार जिंदाबाद। कोरोना ने हर दुकानदार को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर दुकानदार को, हर परिवार को बिल्कुल सड़क से भी नीचे कोई जगह होती होगी वहाँ तक पहुँचा दिया। इससे ज़्यादा महंगाई के बारे में हम आप क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो? महंगाई ने तो बुरे हाल किए हैं, दुकानदारियाँ बिल्कुल है नहीं, 0% हैं, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, और लेन देन बैंक खाली हो गए हैं इन महंगाइयों की वजह से। कस्टमर आने कस्म वही मैंने बताया, दुकानदारी नहीं है, कस्टमर आए ना, कस्टमर की एंट्री तब होगी ना जो उनके जेब में पैसा होगा,
जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो एंट्री कैसे हो जाएगी? जब उसके जेब में पैसा होगा तो चार पैसे हमको भी कमाने को मिलेंगे, उससे हम आगे भी खर्चा करेंगे। तो जब मेरे पास कस्टमर नहीं आएगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम खर्चा कहाँ करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा सवेरे आके दुकान बंद करेंगे, दुकान खोलेंगे और शाम को दुकान बंद करके घर चले जाएंगे, दो रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह। महंगाई के लेके आपका क्या कहना है? महंगाई तो दिन दिन बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कम होती जा रही है, हर आदमी परेशान है। मीडियम आदमी, गरीब आदमी ठीक है, वो कम में गुजारा कर लेता है, इसलिए वो ठीक है। रईस आदमी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिन ब दिन दुकानदार पिस रहा है, दुकानदार का काम धीरे धीरे डाउन हो रहा है। खर्चे तो कम होंगे नहीं, खर्चे तो आर्थिक महंगी हो चली जा रही है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे ये पहले सरकारें थी या ये सरकार है, तब भी बल्कि इस सरकार में तो और महंगाई बढ़ी ही है, हर चीज़ महंगी हुई है। तो खर्चे कम होने चाहिए कि उसका उपाय जो है सरकार कुछ करे, चीज़ों में रेट कम हो, रेट कम ना हो कम से कम तो, लेकिन कारोबार कुछ बढ़े उसका, दुकानदारों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। ये सरकार हो या नई सरकार, दोनों से यही चाहेंगे, जो सरकार अच्छा काम करे वही होनी चाहिए। गुरमीत सिंह। महंगाई के लिए आप क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं, बाज़ार इस समय ज़ीरो पे चल रहा है, और ये समझ लीजिए दुकानदार को मजबूर होकर अपना बैंक खाली हो रहे हैं, इस समय वहाँ से पैसा निकाल के काम चल रहा है। उसका रीज़न यही है कि महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, हर तरफ जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उधर महंगाई महंगाई है, चाहे खाने पीने की हो या अपने इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स हों। सरकार बदल रही है, सरकार दावे होते हैं, मगर अब सरकार बदल रही है, उसके लिए आपको क्या कहना? इसके लिए सर हमारी कोई अप्रोच नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो करेंगे ऊपर लेवल पे करते हैं, लेकिन झेलना तो एक आम पब्लिक को पड़ता है ना, चाहे कोई भी बैठे सरकार। महंगाई तो महंगाई है, हर एक के लिए है। तो इसके 5 साल पहले क्या था और आज क्या है? नहीं, इधर कोरोना के बाद ज़रा ज़्यादा महसूस होता है कि आदमी दबाव में आ गया है, वो चाहे फाइनेंस हो या दूसरी तरफ से हो, हर तरफ से दबा जा रहा है आदमी। महंगाई को लेके क्या कहना है? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और खर्चे पूरे होते नहीं हैं। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं सब, मतलब कस्टमर अंदर आता है उसका भी चालान हो जाता है, सब बहुत है अभी। इसको मतलब थोड़ा सा लिमिट होनी चाहिए। क्या कस्टमर आ नहीं रहे हैं या क्या नाम है, कारोबार बिल्कुल ही वो हो गया? आने में भी कस्टमर को होता है, नहीं आ रहे हैं अंदर ज़्यादा, मतलब वो है। देखा आपने कि यहाँ कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं और कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म पे दिख रहा है। कैमरामैन जिशान के साथ कमर आलम, ABC स्टार न्यूज़, कानपुर।